गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो ये मैं चैप्टर जो है लेसन नंबर थर्ड है जो मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ। लेसन नंबर थर्ड का नाम है इंडिया स्टेट्स एंड फिजिकल फीचर। तो इसमें हम इंडिया के स्टेट्स के बारे में और फिजिकल फीचर के बारे में हम पता लगाएंगे। तो ये स्पेशली जो मैंने वीडियो बनाया है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ली है। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो आपको इसे अगर आप तो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिविजन के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब मैं आपको इंडिया के बारे में अगर बताऊं, ये देखिए ये आपके दे रखा है पूरे वर्ल्ड का मैप दे रखा है जिसके अंदर ये व्हाइट वाला जो पूरा पोर्शन है, ये व्हाइट वाला पूरा पोर्शन आपके एशिया कॉन्टिनेंट को शो करता है। ये व्हाइट वाला पूरा पोर्शन एशिया कॉन्टिनेंट को शो करता है। इसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा देखो मैंने शेडेड किया हुआ है, ये शेडेड किया हुआ भाग जो है हमारा इंडिया है। ठीक है, अब मैं स्पेशली आपको इसी कॉन्टिनेंट्स के अंदर मैं आपको जो है अपने इंडिया की जो पड़ोसी जो नेबर कंट्रीज जो है उनके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप आ गया है। इंडिया की मैप में देखिए ये इंडिया की पूरी लैंड है। ये इंडिया के देखो इस तरफ और इस तरफ यानी 1, 2 और 3 तीन साइड से इंडिया नीचे की तरफ जो वाटर बॉडी से कवर्ड है, यानी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए नीचे वाले भाग को पेनिनशुला कहते हैं। ऐसी जमीन जो तीन तरफ से जमीन पानी से घिरी हुई होती है उसे पेनिनशुला कहते हैं। तो ये नीचे वाला जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वो इंडियन पेनिनशुला कहलाता है। अब ऊपर देखिए हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं, सबसे पहले नेबर कंट्रीज के बारे में। तो इंडिया के जो नेबर्स हैं, इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है, सबसे बड़ी जो कंट्रीज है वो तो देखो आपको चाइना दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी बॉर्डर जो लग रही है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास में चाइना की बॉर्डर लग रही है। और ये देखिए हमारे जो चाइना से पहले है ये छोटा सा है, ये नेपाल की बॉर्डर भी हमारे भारत के साथ लगती है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। और इस तरफ अगर हम आगे जाएं तो ये है देखो छोटा सा ये भूटान, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है भूटान भी हमारा नेबर कंट्री है। इसके अलावा देखिए इंडिया के ये इस तरह से जैसे आर्म के अंदर होता है, आर्म पिट के अंदर होता है, इस तरह से ये जो देश है ये कंट्री बांग्लादेश है। और इसी तरह से ये जो लास्ट में ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है जिसको म्यांमार कहते हैं, पहले इसको बर्मा भी कहते थे। तो ये म्यांमार कंट्री भी हमारा नेबर कंट्री है। और इस तरफ अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के उधर अगर जाते हैं तो अफगानिस्तान की भी छोटी सी जो बॉर्डर है हमारे साथ में लगती है। ठीक है, और तो आपने ऊपर देखा नेपाल भूटान, और नीचे की तरफ जब हम जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ तब हम देखते हैं कि नीचे जो है भारत से जो नीचे है वो जो साउथ की तरफ जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो श्रीलंका है। एक और नेबरिंग कंट्री है जो हमारे पास में जो आइलैंड है वो है मालदीव, ये मालदीव्स भी जो है हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो टोटल हमारे 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो अगर हम देखो डायरेक्शन की तरफ देखें तो अगर ये भाग ऊपर वाला भाग जो है वो नॉर्थ वाला इलाका कहलाता है, नीचे वाला साउथ वाला इलाका कहलाता है, ये वाला ईस्ट वाला पोर्शन कहलाता है और ये वेस्ट वाला पोर्शन कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भी नॉर्थ में कौन सी कंट्री है तो नॉर्थ में चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ईस्ट में कौन सा है म्यांमार है और बांग्लादेश है, वेस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, साउथ में कौन सी कंट्रीज नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका है और मालदीव से। ओके, तो ये मैंने आपको जो है फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी इंडिया में जो स्टेट्स कितने हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो अब 29 है, न्यू लेटेस्ट जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी 29 स्टेट्स हमारे कंट्री में हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरीज पे डायरेक्टली जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो ये देखिए ये मैं आपको एक एक स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ। ये है लद्दाख, लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा है, गोवा, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में नीचे केरला, केरला के पास में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर देखो अभी जो हैदराबाद अलग बनाया गया आंध्र प्रदेश को अलग करके, तो तेलंगाना, तेलंगाना के पास में है उड़ीसा, उड़ीसा के पास में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर अगर हम जाते तो झारखंड, झारखंड के पास में हमारा आता है वेस्ट बंगाल, और उसके ऊपर है हमारे बिहार।
ठीक है। अब हम जाते हैं ईस्ट की तरफ, चले जाते हैं। तो ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि ईस्ट में हमारे आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, मेघालय। ये इनको हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। ये ईस्ट की तरफ है इसलिए इनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स हैं। तो ये मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया। चलिए अब फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स जिसमें देखिए ये है इस तरह का, जो ये माउंटेन है जिसको हिंदी में हम पहाड़ कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इनके ऊपर स्नो भी हो सकती है। फिर आता हिल्स, हिल्स की जो हाइट होती है वो माउंटेन से थोड़ी कम होती है, इनको हम हिल्स कहते हैं। और ये है प्लेटू, यानी ये होता तो हिल जैसा ही है लेकिन ऊपर की इसकी जो जमीन होती है वो टेबल जैसी फ्लैट होती है, इसे उसको प्लेटू कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये है डेजर्ट जहां पर चारों तरफ सैंड ही सैंड होती है और रेन वाटर जो होता है बहुत कम होता है, उसे सैंड कहते हैं, उसे डेजर्ट वाला इलाका कहते हैं। आइए आगे देखिए, ये देखो समुद्र के किनारे वाला जो इलाका होता है उसको कोस्टल प्लेन कहते हैं, और जो खुले मैदान होते हैं जो सूखे भी हो सकते हैं एग्रीकल्चर की वजह से ग्रीन भी हो सकते हैं, उनको हम प्लेन्स कहते हैं। तो हमारे भारत के अगर हम फिजिकल फीचर्स को अगर हम देखें कि भारत में कहां पर पहाड़ हैं, तो भारत के सारा जो फिजिकल डिवीजन है उस फिजिकल डिवीजन को सिक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपर वाला ये जो ब्राउन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का, ये कहलाता है नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। ये ब्राउन वाला जो पोर्शन आपको दिखा रहा है, नेपाल को भूटान को जो है इन्होंने व्हाइट करके दिखाया, जबकि ये भी ब्राउनिश पार्ट है, यहीं पर ये हिमालय, तो ये नॉर्दर्न हिमालय वाला पार्ट है। इसके नीचे ग्रीन वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये है नॉर्दर्न प्लेन, इसको कहते हैं, इसको नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लेन के पास में ये जो येलो कलर का दिखाया गया है ये हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको कहते हैं, जो राजस्थान और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में पड़ता है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। और ये बीच वाला जो हिस्सा है जो आपको हल्का स्लेटी कलर का जो नजर आ रहा है, ये पूरा यहां से यहां तक है, इसको हम कहते हैं पेनिनशुला प्लेटू, ये प्लेटू वाला इलाका है, इंडियन प्लेटू उसे कहते थे, द इंडियन प्लेटू। और ये जो कोस्ट यानी ओशंस के ये जो सी है, अरेबियन सी के किनारे किनारे और जो बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे वाला जो इलाका है इसको हम कहते हैं कोस्टल एरिया। क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया कहते हैं। यहां गुजरात से शुरू होकर के ये आगे तक जा रहा है और यहां पर बे ऑफ बंगाल तक है, फर्स्ट वेस्ट बंगाल तक है। तो इधर वाला जो ये कोस्टल एरिया है इसको ईस्टर्न कोस्टल एरिया कहते हैं, और इस तरफ वाला जो कोस्टल एरिया है इसको वेस्टर्न कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है ये हमारे फिजिकल फीचर। और इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं, और अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड है उसको हम लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं, ये भी हमारे भारत के ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंडिया का फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया है, ठीक है। मैंने आपको इनके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है, लेट्स ट्राई वगैरह है, वो सब मैंने आपको आपके ग्रुप में भेज दी है, और चैप्टर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आप अपने जो लेट्स ट्राई, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप अपना वर्क करें और लर्न करें। अगर कोई परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।